गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो कल हमने रेशियो फाइंड करने वाले और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले पॉइंट वाले हमने क्या किए थे भाई, पॉइंट फाइंड किए, एक्स एक्सिस का पॉइंट, वाई एक्सिस का पॉइंट, उसमें रेशियो फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट या तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाले सब किए। अब आप लोग जाओगे असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते, 3030। चलो पर ट्राई सेक्शन पॉइंट वाला हमने सम किया था, किया था स्टूडेंट ट्राई सेक्शन पॉइंट। बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 00 एंड बी 4a इन अ फोर कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट। कितने कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट है, फोर के नीचे अंडर लाइन करोगे, बराबर है। कल हमारे पास क्या थे, 3 कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट, और वो पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई, ट्राई सेक्शन पॉइंट। तो मैंने कल बोला था जब भी ट्राई सेक्शन पॉइंट आए तो ट्राई सेगमेंट के ऊपर आपको कितने पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट, और जब फोर कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट आए तो लाइन सेगमेंट के ऊपर कितने पॉइंट लोगे आप लोग, 3 पॉइंट। चलो तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट एबी बनाओ, आप लोग भी मेरे साथ में फिगर बनाओ, एक लाइन सेगमेंट एबी बनाओ, उसके ऊपर क्या करोगे भाई आप लोग, 3 पॉइंट लोगे, बराबर है। इक्वल लगने चाहिए पी क्यू और दूसरा क्या लेंगे आर। चलो ए के कोऑर्डिनेट कौन से है, 00, बी के कोऑर्डिनेट कौन से आपके, 4a। चलो कल ट्राई सेक्शन पॉइंट वाला सम था, अच्छे से समझ लेते हैं, ये तो एकदम इजी सम है। ट्राई सेक्शन पॉइंट आए तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट आप लोगों को, पहले रेशियो लेना पड़ेगा, p का रेशियो हमने कितना लिया था, 1:2, बराबर है। आज आपके दिमाग में चलता होगा तो भाई P का रेशियो कितना बनेगा, भाई यहाँ पर एक पार्ट है, पीछे कितने पार्ट है, 3 पार्ट, आपके दिमाग में चलता होगा 1:3, बट वो करना नहीं है। जब भी फोर कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट नाम का क्वेश्चन आए तो हम लोग मिड पॉइंट लेकर सॉल्व करें, देखो कैसे, क्यों इसका मिड पॉइंट बनेगा, AB का बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जो Q है वो किसका मिड पॉइंट बनेगा, AB का, तो Q का आंसर मिल जाएगा, क्यू मिल गया। फिर देखो पी इसका मिड पॉइंट बनेगा एक्यू का, मिड पॉइंट का यूज करोगे पी मिल गया। फिर आर फाइंड करना था, आर किसका मिड पॉइंट बनेगा, क्यू बी का, यानी कि जब भी फोर कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट आए आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितनी बार रखना पड़ेगा, 3 बार। पहले कौन सा मिड पॉइंट बनेगा, क्यू, क्यू का आंसर मिल गया। फिर कौन सा भाई, एक्यू का मिड पॉइंट कौन सा, पी का आंसर मिल जाएगा। फिर बी का मिड पॉइंट कौन सा, आर, आर का आंसर आपको मिल जाएगा। बट पहले लिखने के लिखो, चलो क्या लिखेंगे, लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इनटू फोर कॉन्ग्यूरेंट सेगमेंट। पहले फॉर्मूला लिखने के लिए लिखना है, बराबर है। ट्राई सेक्शन में क्या लेकर काम करना पड़ेगा, पहले रेशियो, ट्राई सेक्शन में रेशियो कौन सा, 1:2, वहां पर 2 फॉर्मूला, पहला कौन सा, डिवीजन पॉइंट, और सेकंड नंबर में कौन सा, मिड पॉइंट। बट जब फोर कॉन्ग्यूरेंट आए तो कौन सा, तीनों बार कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मिड पॉइंट। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, क्यू, तो लिखेंगे क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। क्यू किसका मिड पॉइंट है भाई, लाइन सेगमेंट एबी का। तो सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू, चलो ए और बी की शादी करानी है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला कौन सा था याद कर लो, तो x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, फॉर्मूला नहीं रखना है हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे।
चलो क्या रखेंगे, जीरो प्लस फोर अपॉन टू कॉमा जीरो प्लस एट अपॉन टू। चलो तो फोर अपॉन टू और क्या बनेगा भाई, एट अपॉन टू। कट कर दो तो आंसर क्या बना आपका, टू कॉमा फोर। चलो क्योंकि कोऑर्डिनेट कौन से आए, टू कॉमा फोर आगे। चलो फिर क्या होगा, अब हमें क्या लेना है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो P किसका मिड पॉइंट है, AQ का। इधर क्या लिखेंगे, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AQ, बराबर है। P किसका मिड पॉइंट है, AQ का। अब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू। चलो फॉर्मूला x1 प्लस x2 में किसका यूज करोगे, देखो A के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट यूज करोगे, यानी कि क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 2 अपॉन 2 कॉमा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 कॉमा 2। चलो P मिल गया, कौन सा है भाई, 1,2 लिख सकते हैं। चलो क्या फाइंड करना बाकी है, R। तो R किसका मिड पॉइंट बनेगा, देखो तो स्टूडेंट R QB का मिड पॉइंट बनेगा, फाइंड करो आप लोग खुद करो। लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। आर किसका मिड पॉइंट है, क्यूबी का। चलो तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज इक्वल टू। चलो किसके कोऑर्डिनेट यूज करोगे, क्यू और बी के। तो क्या लिखेंगे, टू प्लस फोर अपॉन टू कॉमा 4 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 6 अपॉन 2 कॉमा 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया भाई, 3,6। बोलो 4 कॉम्बिनेंट वाला सम कर सकते हो, मुझे तो ट्राइसेक्शन पॉइंट से भी इजी लगता है, क्योंकि ट्राइसेक्शन पॉइंट में आपको रेशियो यूज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई रेशियो रेशियो नहीं, सीधे तीनों बार क्या यूज करोगे, मिड पॉइंट। क्लियर, ये तीनों आंसर मिल गए हम लोगों को, बोला ऐसे कर सकते हो शायद, मेरे ख्याल से आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा सम हो तो मैं देख लेता हूं। जो आपकी टेक्स्ट बुक में 7.2 एक्सरसाइज में 9 नंबर का क्वेश्चन, 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखो। चलो निकालो 7.2, फिगर बनाओ। ये पूरा कर लो, पहले पूरा हो गया होगा आप लोगों का, तब तक मैं फिगर बनाता हूं, नहीं हुआ तो पूरा कर लो। चलो बनाओ फिगर। चलो लाइन सेगमेंट एबी 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। चलो लाइन सेगमेंट एबी चलो ए के कोऑर्डिनेट कौन से, -2,2। बी के कोऑर्डिनेट कौन से है, 2,8। और कौन सा इक्वेशन पूरा पढ़ो, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2,2 एंड बी 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट मीन्स इसके ऊपर कितने पॉइंट लोगे भाई आप लोग, 3 पॉइंट, P, Q और क्या लोगे, R। चलो पहले फॉर्मेलिटी के लिए अभी स्टेटमेंट लिखा था, वैसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिख डालो। चलो स्टेटमेंट आगे बढ़ो, चलो फटाफट आप लोग खुद फाइंड करो कि मैं आता हूं आपके पीछे पीछे, आपको भी आना चाहिए ना, सारे सब मैं बोर्ड के ऊपर करूंगा तो आप लोग क्या करोगे। चलो
चलो सबसे पहले किसके क्या लिखेंगे, लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 4 कंप्यूटर पार्ट। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, क्यू के। क्यू किसका मेन पॉइंट है, ईवी का। क्या लिखेंगे, क्यू इज अ मेड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। चलो पहले क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस टू प्लस टू अपॉन टू कॉमा टू प्लस एट अपॉन टू। चलो तो जीरो अपॉन टू कॉमा टेन अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो कॉमा फाइव। चलो यहां पर लिख दे जीरो कॉमा फाइव। चलो इस क्या लिखेंगे बोलो, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, पी के नहीं कर दिए, दूध पीना है, चाय पीनी है, शरबत पीना है, अभी तो नींबू शरबत ज्यादा पीना है बराबर, बॉटल वॉटल नहीं पीनी है, गंदी आदतें छोड़ दो, बचपन वाली आदतें, तब तक बॉटल में दूध पियोगी। चलो अब फाइंड करेंगे लेट, क्या लिखेंगे, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू। चलो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू, चलो ए और क्यू का यूज करेंगे, माइनस टू प्लस जीरो अपॉन टू कॉमा टू प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, माइनस टू अपॉन टू कॉमा सेवन अपॉन टू, ये कट होगा तो क्या है, माइनस वन एंड सेवन अपॉन टू, थ्री पॉइंट फाइव नहीं लिखना बराबर है। चलो अब क्या फाइंड करेंगे आर, तो अब क्या लिखेंगे, आर किसका मिड पॉइंट है, क्यूबी का। तो लिखो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यूबी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज इक्वल टू, चलो किसका यूज करेंगे, क्यू और बी के कोऑर्डिनेट। चलो क्या लिखेंगे, जीरो प्लस टू अपॉन टू कॉमा फाइव प्लस एट अपॉन टू, तो क्या आएगा भाई, टू अपॉन टू कॉमा कितना आएगा भाई, थर्टीन अपॉन टू आंसर कितना आएगा, वन कॉमा थर्टीन अपॉन टू। यहाँ पर 6.5 लिखने की कोई जरूरत नहीं, बोलो ये फोर कॉन्ग्रुएंट पार्ट वाला सम अप कर पाओगे, दो थे दोनों मैंने आपको करा दी। चलो अब जरा असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 31 में जाएंगे, स्टूडेंट ध्यान रखोगे 31 32 33 34 ये चारों सम पक्के आने चाहिए बराबर है, आई एम इन सम है। चलो 31 नंबर के क्वेश्चन में जाओ, ध्यान रख के काम करोगे कैसे होता है बराबर है। देखो ए वन टू बी टू वन सी थ्री माइनस फोर आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर आपको क्या दिया है, तीन वर्टाइसिस दिए, उसके कोऑर्डिनेट दिए,
चौथा नहीं दिया है वो आपको क्या करना है भाई, बी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ऐसे सम देखो आपको पैरेललोग्राम के भी आ सकते हैं, रोम्बस के भी आ सकते हैं, स्क्वायर के भी आ सकते हैं, रेक्टेंगल के भी आ सकते हैं, चारों की मेथड एक ही है बराबर है। जब फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना हो चारों की मेथड कैसी है भाई, सेम मेथड। कैसे करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बनाएंगे। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। चलो सबसे पहले पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाओ, फिगर कंपलसरी बनाने की है, ए बी सी डी। चलो ए के कोऑर्डिनेट कौन से आपके लिखोगे, 2 1, अरे सॉरी ए के कोऑर्डिनेट कौन से 1 2, बी के कोऑर्डिनेट कौन से 2 1, सी के कोऑर्डिनेट कौन से 3 -4, और डी आपको फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना हो वहां पर क्या लिखोगे, एक्स वाई बराबर है। अब आप लोग 9 स्टैंडर्ड के अंदर ये समझो पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ध्यान रखना स्टूडेंट। मार्च 2013 50 मार्क के एमसीक्यू थे, उसमें से एक एमसीक्यू इनकी प्रॉपर्टी का था, एक एमसीक्यू इनके प्रॉपर्टी का था जो 10 में कई बार उनको लेना देना नहीं है। मैच द फॉलोइंग में था 1 मार्क का एमसीक्यू, ये सभी के डायगोनल की अलग अलग प्रॉपर्टी, पहले जो फर्स्ट नंबर ये सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है, ये चारों जो क्वाड्रिलेटरल है चारों क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है भाई, बाइसेक्ट करती है। क्या करती है भाई, बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये एसी डायगोनल ये बीडी डायगोनल दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होगी वो जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट, यानी पी एसी का मेन पॉइंट बनेगा और पी किसका मेन पॉइंट बनेगा, बीडी। यानी सपोज आपका पूरा एसी 8 का है, पूरा एसी कितने का है 8 का, तो एपी कितना हो जाएगा 4, पीसी कितना हो जाएगा 4। सपोज आपका बीडी 10 का है, बीडी डायगोनल 10 की है, ये पीडी आपका कितना हो जाएगा 5, और ये बीडी भी कितना हो जाएगा 5। ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी, तो भाई हमें ये प्रॉपर्टी का यूज करके ही फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। बट समझ लो सपोज मैं तो फिर एक से रिपीट हुआ था, आपको आना चाहिए फर्स्ट पैरेललोग्राम तो उसके डायगोनल सिर्फ क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, क्या करती है भाई, बाइसेक्ट। सेकंड नंबर रोम्बस, रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती है, बट वहां पर एक वर्ड आता था राइट एंगल, कौन सा आता था भाई, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, आता था ऐसा वर्ड, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनते थे। थर्ड नंबर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, इक्वल मेजर की भी होती है बट राइट एंगल में बाइसेक्ट करते ही नहीं है, ध्यान रखो रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है भाई, बाइसेक्ट करती है बट राइट एंगल में बाइसेक्ट करते नहीं। और लास्ट वाला कौन सा था भाई, स्क्वायर, स्क्वायर की डायगोनल इक्वल मेजर की होती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है और राइट एंगल में बाइसेक्ट करते, तो राइट एंगल नाम का वर्ड दो में आएगा, एक रोम्बस दूसरा किसके अंदर आएगा, स्क्वायर। देखो ये दोनों की डायगोनल इक्वल मेजर की नहीं होगी, ये दोनों की डायगोनल कैसी होगी, इक्वल मेजर। तो भाई सपोज राइट एंगल में एसी 10 है तो बीडी भी कितने का होगा, 10 का ही होगा, क्लियर। सेम स्क्वायर में एसी 10 है तो बीडी भी कितना होगा, 10, बट दोनों में फर्क कौन सा, यहाँ पर क्या होगा भाई, बाइसेक्ट करती है बट राइट एंगल नाम का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर बाइसेक्ट करेगी बट कौन सा वर्ड आएगा, राइट एंगल नाम का। यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट बाइसेक्ट कहाँ पर करेगी, राइट एंगल पे। तो अब हम लोग किसका यूज करेंगे, चलो तो चारों टाइप में से किसी में भी फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने का सम आए तो हमारी जो मेथड है वही मेथड का आप यूज करोगे। समझो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी कौन सी, तीन डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है भाई, बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ, जब भी फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने का है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख देनी है, क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कंपल्सरी प्रॉपर्टी लिख देनी है, जब फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करने का है पहले प्रॉपर्टी खोप दोगे आप लोग, बराबर है। चलो अब क्या लिखेंगे समझो, डायगोनल बाइसेक्ट करती इसका मतलब क्या भाई, अभी मैंने आपको समझाया एसी का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका बनेगा, बीडी का बनेगा, क्लियर, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है तो पी एसी का भी मिड पॉइंट बनेगा, पी बीडी का भी मिड पॉइंट बनेगा। तब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी। चलो इतना लिख लिया, अब जरा अपनी पेन बंद करके यहां पर बॉर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे, मैं लिखने का टाइम देता हूं, पेन बंद करो बॉर्ड के ऊपर ध्यान रखो, बराबर है, तो आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। चलो मिड पॉइंट का भी हमने यूज किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कौन सा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। चलो पहले मिड पॉइंट किसका है भाई, एसी का, आप किसकी शादी कराओगे, ए और सी की शादी कराओगे, क्लियर स्टूडेंट। चलो ए और सी की शादी कराए तो क्या लिखेंगे, वन प्लस थ्री अपॉन टू कॉमा, चलो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, क्या लिखेंगे, टू माइनस फोर अपॉन टू। चलो क्लियर, एसी का काम तमाम हो गया। अब सामने क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, बी और डी की शादी कराएंगे, चलो x1 प्लस एक्स टू जिसके क्या लिखोगे, टू प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, क्या लिखेंगे, वन प्लस वाई अपॉन टू, बोलो इतना कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, यहां से आगे बढ़ना है, तो x कोऑर्डिनेट के सामने x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट के सामने y कोऑर्डिनेट, क्लियर। चलो पहले यहां से उठाएंगे, बराबर है, तो पहले इसको लिख देंगे, टू प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, चलो एक्स कोऑर्डिनेट के सामने वाला x, इधर सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, देखो थ्री प्लस वन कितना होगा भाई, फोर अपॉन टू होगा कि नहीं होगा, सेम इधर देखिए, तो वन प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू, चलो इधर सिंप्लीफाई करें, टू में से फोर गया, क्या आएगा भाई, माइनस टू अपॉन टू, क्लियर। फर्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी कंपल्सरी, पैरेललोग्राम हो तो पैरेललोग्राम इधर लिखेंगे, बाइसेक्ट तो आएगा ही, रोम्बस हो तो रोम्बस, जो भी आए, क्लियर। फिर क्या भाई, मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी, सपोज आप एग्जाम में प्रॉपर्टी भूल गए तो प्रॉपर्टी की चिंता छोड़ो, डायरेक्ट यहां से सम स्टार्ट कर देना, एग्जामिनर का आंसर से मतलब है, क्लियर। आप प्रॉपर्टी लिखना भूल गए टेंशन में मत आओ, आप यहां से शुरू कर दो, यानी सम हमारा मिस होना नहीं चाहिए, क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, आपकी इच्छा होती होगी टू टू या फोर कट कर दे, कभी भी कट नहीं कर रहे, नीचे वाले कट्टू दोनों कट कर दे, समझ गए, क्या करोगे, नीचे वाले कट्टू कट करो, ये टू टू या फोर कभी भी गलती से कट नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आपके इक्वेशन नाम का चैप्टर एट में कितना बढ़िया पढ़ के आए हो आप लोग। चलो अब यहां से क्या बचा भाई, टू प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर, पहले इंडिया का सिंप्लीफाई कर देते, चलो टू को सामने ले जाए, x is equal to 4 minus 2, therefore x is equal to कितना आया भाई, 2, चलो सेम इधर, 1 plus y is equal to minus 2, 1 को साथ ले जाओ, y is equal to minus 2 minus 1, y is equal to minus, x और y मिल गए, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore d, x, y, ये भूल गए तो हाफ मार्क मुख में कट जाएगा, लिखना कंपल्सरी, d, x, y is equal to क्या लिखेंगे, d, 2, कॉमा माइनस थ्री, बोले सब कर सकते हो, पेपर में आगे नहीं कर सकते, सारे हॉट फेवरेट सॉन्ग, चलो लिख डाल।
चलो स्टूडेंट हो गया, कर पाओगे पोल वर्टेक्स वाला सम। चलो अब हम लोग जाते हैं असाइनमेंट के अंदर, सेम क्वेश्चन नंबर 32 है। चलो 32 नंबर के क्वेश्चन में जाए, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। चलो क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, 2 1 -1 2 and 1 0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। सेम सम है स्टूडेंट, अभी हमने किया उसके जैसा। तो चलो पहले फिगर बनाएंगे, पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाएंगे। चलो उसमें चारों के वर्टाइसेस लिखेंगे, ए में क्या लिखेंगे 2 1। चलो बी के अंदर क्या लिखेंगे -1 2, सी के अंदर क्या लिखेंगे 1 0 और डी के अंदर क्या लिखेंगे x 1, वो तो फाइंड करना बराबर है। चलो सबसे पहले अब आप लोग स्टार्ट करो। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, द डायगोनल, प्रॉपर्टी लिखो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लिखना पड़ेगा द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या लिखेंगे, मेड पॉइंट, मैंने बोला ना आपको ये लिख ही देना है, मेड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे मेड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीडी। चलो ए सी का मिड पॉइंट ए और सी की शादी करेंगे, क्या लिखेंगे 2 + 1/2 x1 + x2/2 2 + 1/2 कॉमा क्या लिखेंगे 1 + 0/2। चलो सामने बीडी है तो बीडी की शादी कराए तो -1 + x/2 2 + y/2। चलो अब क्या आएगा भाई, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। चलो तो क्या लिखेंगे -1 + x/2 इज इक्वल टू, इधर देखो x कोऑर्डिनेट के सामने x2 + 1 कितना होगा 3/2। चलो 2 + y/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 + 0 कितना होगा भाई 1/2, 2 दोनों क्या हो गए कट, तो -1 + x = 3, 1 को सामने ले जाओ x = 3 + 1 therefore x = कितना है भाई 4। चलो सेम इधर 2 + y = 1, y = 1 - 2, y = कितना आया -1। लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore d xy = d 4, -1, कर सकते हैं ऐसे। चलो 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, 33 नंबर, चलो जरा करते हैं 33 नंबर स्क्वायर वाला है। सेम सम बनेगा, सिर्फ फिगर चेंज होगी। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया था, अब आप लोग क्या बनाओगे, स्क्वायर बनाओ। चलो बनाओ स्क्वायर 33 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलो क्या है भाई, ए 4 - 3, बी 10 5, सी 12 - 9 आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। चलो एक स्क्वायर एबीसीडी बनाएंगे। चलो बनाओ ए बी सी डी। चलो ए के कोऑर्डिनेट कौन से है भाई 4 - 3। चलो बी के कोऑर्डिनेट कौन से है 10 5। सी के कोऑर्डिनेट कौन से है भाई 12 - 9
और डी के कोऑर्डिनेट कौन से है, एक्स वाई। फोर्थ वर्ड एक्स फाइंड कर, अभी आपने किया वैसे ही फाइंड करोगे। चलो स्टार्ट करो सब, दोनों की डायगोनल बनाओ एसी और बीडी। स्टार्ट करो, कब तक बैठे रहोगे, सारे सब न्याय कराऊंगा तब तक आप क्या करोगे, मिड पॉइंट पी ले लो। चलो प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे पैरेललोग्राम के लिखे वैसे स्क्वायर के लिखे, क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। चलो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल, क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी एसी का मिड पॉइंट। चलो एसी की शादी कराएं, क्या लिखेंगे, 4 प्लस 12 अपॉन 2 कॉमा माइनस 3 माइनस 9 अपॉन 2 बराबर है, 4 एक्स वन प्लस एक्स टू, 4 प्लस 12 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू, पीडी की शादी कराओ तो 10 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन 2। चलो अब सिंपलीफाई करें तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। दूसरा क्या लिखेंगे, 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2। चलो कट्टू कट हो गए दोनों, तो क्या बचा, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 10, एक्स इज इक्वल टू कितना आया है, 6। चलो सेम इधर, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, वाई इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू माइनस 17। लास्ट में लिख डालो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी 6 कॉमा माइनस 17। चलो बोगे वाला ये तीनों सिंपल सम थे, डायरेक्टली क्या फाइंड करना था भाई, फोर्थ वर्टेक्स। अब जरा 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, 34। चलो स्टूडेंट बोलो ऐसे सम कर पाओगे, अब जरा ऐसा ही नहीं के क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर हम लोग जाते, 34 नंबर के अंदर जाओ, 34 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ो, शो दैट, कौन सा वर्ड है, शो दैट, ए 2 3 बी 4 5 एंड सी 3 2 कैन बी द वर्टाइसिस ऑफ अ रेक्टेंगल। पहले आपको शो करना है, समझो स्टूडेंट, ये तीनों में कहीं पर भी शो नाम का वर्ड नहीं था, यानी कि हमने सीधी फिगर बना दी, यानी कि पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम बना दिया, एबीसीडी, स्क्वायर था तो हमने क्या बना दिया भाई, स्क्वायर, रोम्बस हो तो क्या बना देंगे, रोम्बस। बट सपोज जब भी शो दैट नाम का वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए, शो दैट, कभी भी आप लोग पहले से फिगर नहीं बनाओ, पहले तो आपको शो करना है कि ये जो वर्टाइसिस है वो किसके वर्टाइसिस है, रेक्टेंगल के वर्टाइसिस है। आपके पास तीन वर्टाइसिस है, जब भी मैंने क्या बोला, शो देट नाम का क्वेश्चन आए, पहले से कभी भी फिगर नहीं बनाओ, क्योंकि ए बी सी डी बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी सी डी बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड है, मैंने हम लोग शो करेंगे उसके ऊपर। चलो ए बी क्या है, मैंने वर्टाइसिस लिखे ए 2 3, बी कौन सा है भाई आपका 4 5, सी कौन सा है भाई आपका 3 2। हमें पहले शो करना है
यानी कि प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। क्या है भाई? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? आप लोगों को मैंने चैप्टर की शुरुआत में राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम कराए थे, याद आता है? राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम कराए थे, बराबर। उसमें क्या फाइंड किया था? एबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, फिर उसके ऊपर से हाइपोटेन्यूस जो आए उसका ऑपोजिट एंगल राइट एंगल शो किया। सेम यहाँ पर भी जब आपको रेक्टेंगल प्रूव करने का है तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं? सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप पहले राइट एंगल फाइंड करोगे, प्रूव करोगे, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल जब भी प्रूव करने का है क्या फाइंड करोगे? एबी स्क्वायर, फिर बीसी स्क्वायर, फिर एसी स्क्वायर, और इसके बाद में क्या आएगा भाई? आपको राइट एंगल मिलेगा भाई, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का ऑपोजिट एंगल क्या होता है भाई? राइट एंगल होता है। यानी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले शो करना इसलिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो पहले क्या फाइंड करेंगे? एबी स्क्वायर। एबी स्क्वायर यानी भूल गए, याद है ए और बी के शादी करेंगे, पंडित के कपड़े पुराने हो गए, फिर से निकाल के जब्बा और धोती पहनेंगे और शादी करने की शुरुआत कर देंगे। चलो ए और बी की शादी कराओ, तो 2-4 ब्रैकेट पास स्क्वायर प्लस 3-5 ब्रैकेट पास स्क्वायर। चलो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना? 4। 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर कितना? 4। इज इक्वल टू कितना आया? 8। चलो बीसी स्क्वायर फाइंड करें। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी और सी की शादी कराओ, 4-3 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5-2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल कितना है भाई? 10। चलो एसी स्क्वायर फाइंड करो। एसी स्क्वायर ए और सी की शादी कराओ, 2-3 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 3-2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। क्या आएगा भाई? 1+1 इज इक्वल टू क्या आया भाई? 2 आ गया। चलो अब राइट एंगल शो करना है, तो दोस्त चलो एबी स्क्वायर 8, एसी स्क्वायर कितना भाई? 2। राइट एंगल शो किया था तो पहले क्या लिखेंगे? एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 8+2 इज इक्वल टू 10। अब क्या लिखेंगे? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। सो क्या लिखेंगे? चलो बीसी हाइपोटेन्यूस का बने तो उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा? बीसी आपकी हाइपोटेन्यूस है, ऑपोजिट एंगल कौन सा? एंगल ए इज इक्वल टू 90 प्रूव हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? सो गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। आया स्टूडेंट समझ में? पहले शो कर रहा था, क्या कर रहा था? शो। और शो आपको किसके अंदर आ सकता है? तो रेक्टेंगल वाले सम में आ सकता है, दूसरा किसके अंदर आ सकता है? स्क्वायर के अंदर। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में कभी भी शो नहीं आएगा, डायरेक्टली फोर्थ वर्टेक्स आएगा। क्लियर? चलो ऐसे शो कर सकते हैं। अब हम लोग फिगर बनाएंगे, हमें तो अभी फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। तो समझो यहां पर आपके हाइपोटेन्यूस कौन सी आई? बीसी। हाइपोटेन्यूस कौन सी आई? बीसी। यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है वो रेक्टेंगल के लिए क्या बनने वाली है? डायगोनल बनने वाली। जो हाइपोटेन्यूस आई वो रेक्टेंगल के लिए क्या बनने वाली है? डायगोनल। चलो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, देखो जरा आपका रेक्टेंगल कैसे बनता है। तो सपोज हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया, आप लोग तो लिख रहे हो कि एबीसीडी, पहले से फिगर बनाओगे आंसर कभी भी नहीं आएगा, जो भी आएगा वो गलत आएगा। आपकी हाइपोटेन्यूस कौन सी? बीसी। बीसी डायगोनल है। चलो एक काम करें, एक डायगोनल बनाते हैं, वो डायगोनल के ऊपर बी और सी को सेट कर देते हैं। चलो बी और सी को सेट कर दिया, अभी ए और डी अपनी मर्जी से लिख रहा लिख दिया आप लोगों ने। जो हाइपोटेन्यूस है वो डायगोनल के ऊपर सेट करो। आपकी हाइपोटेन्यूस कौन सी है? यहां से आपको पता चल गया बीसी हाइपोटेन्यूस है, वो डायगोनल है।
सेट कर दिया, देखो एंगल ए 90 डिग्री भी हो गया उधर, दिखता है आप लोगों को। अब आप लोग क्या करोगे, अब हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है स्टूडेंट। तो अभी हमने पैरेललोग्राम वाला सम किया, स्क्वायर वाला सम किया, वैसे ही फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। करो चलो, देखो आपने पहले से एबीसीडी बना दिया होता तो क्या होता, आंसर आता नहीं आने जो भी शो देट वाला है। पहले हाइपोटेन्यूस फाइंड करो, फिर फिगर बनाओ, और डायरेक्टली वो तो भाई ऐसे दिया हो आपको पेपर में, ए टू थ्री बी फोर फाइव सी थ्री टू आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल, देन फाइंड फोर्थ वर्टेक्स, डायरेक्ट फाइंड कर लो। क्लियर? चलो वैल्यू रखे, ए में क्या है भाई टू थ्री, पहले बनाओ इधर फिगर और लिखो। बी में क्या है भाई आपका फोर फाइव, सी के अंदर क्या है भाई थ्री टू, सी इधर है लिखो, और डी फाइंड करना है एक्स वाई। चलो इनको ज्वाइन भी करते हैं। अब प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी लिखी। चलो इधर क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। चलो फिर क्या लिखना है, हम लोगों को याद है मेड पॉइंट। अब देखो अभी तक आप लोगों ने क्या लिखना था, मेड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेड पॉइंट ऑफ बी, बट फिगर के ऊपर से देखो क्या लिखोगे, मेड पॉइंट किसका लिखोगे, डायगोनल, यानी कौन से मेड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी इज इक्वल टू मेड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। चलो अब आपको ए और बी की पहले शादी करानी, क्या लिखेंगे, टू प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू। चलो सामने बी सी की शादी करानी है, फोर प्लस थ्री अपॉन टू कॉमा फाइव प्लस टू अपॉन टू आएगा ऐसे। चलो इनको अलग कर दे, टू प्लस एक्स अपॉन टू, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट सेवन अपॉन टू, दोनों का टू कट हो गए। दूसरा क्या बनेगा, थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू, दोनों का टू कट, तो टू प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवन, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस टू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आया भाई फाइव आ गया। सेम इधर थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, y is equal to 7 minus 3, y is equal to 4 आ गया। बोला भाई कर सकते हो सम, शो दैट है तो क्या करोगे, कि डिस्टेंस ab square bc square ac square राइट एंगल प्रूव कर देते वैसे ही प्रूव करना। क्लियर? और जो राइट एंगल मिल गया, अब फिगर बनाने के बाद क्या ध्यान रखना है, हमारी जो हाइपोटेन्यूस बनी वो क्या होनी चाहिए भाई, आमने सामने ऑपोजिट आनी चाहिए। BC एक डायगोनल बनाए, उसके ऊपर B और C सेट कर दो, बाकी बचे वो A और D। आपकी अगर इच्छा होती है A इधर लिखना है तो भी लिख सकते हो, A ऊपर लिखना है तो भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बोलो ऐसा सब कर सकते हो, लिख डालो। लास्ट में लिखो गया डी एक्स वाई बीज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी फाइव कोमा फोर। चलो हो गया। अब जरा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जाएंगे स्टूडेंट, चलो टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 166 के ऊपर जाओगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने पहले साइन भी करा दिए। चलो जरा फिगर बनाओ,
चलो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है देखो तो जरा, इफ द पॉइंट ए 61, बी 82, सी 94 एंड डी P3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम कंटिन्यूअस है तो बनाओ। चलो पहले फिगर, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बना, उसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। चौड़ी तो बनानी पड़ेगी शादी कराने के लिए, ये चौड़ी बनेगी तो शादी करा पाओगे। चलो तो डायगोनल बना दो एसी और बीडी, उसका मिड पॉइंट कौन सा ले लोगे पी। चलो ए, ए के कोऑर्डिनेट कौन से आपके 6 1, बी के कोऑर्डिनेट कौन से आपके 8 2, सी के कोऑर्डिनेट कौन से आपके 9 4 और डी के कोऑर्डिनेट कौन से आपके P3। आपको क्या फाइंड करना है पी। अभी हमने सब किए बहुत सारे, चलो दौड़ाओ गाड़ी। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी लिखो क्या लिखोगे, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सटासट काम होना चाहिए। आलसी की तरह बैठे हो तकिए लगा लगा कर, बेचारे आप तो वो भी रो रहे, भाई थोड़ा आराम दो हम लोगों को ना, गद्दा और तकिए को भी आराम चाहिए, थोड़ा आराम दो, उसके ऊपर से खड़े हो जाओ थोड़े। चलो क्या लिखेंगे, द डायगोनल, कंटाड़ा नहीं आता आप लोगों को, मुझे तो बहुत आता है अकेला अकेला पढ़ने का। द डायगोनल बुटरों को बढ़ा रहो ऐसा लगता है, इधर दिखते हैं सामने बहुत सारे बुकड़े, एक जाड़ी बुकड़ी वो लेटाड़ी फिर वो चारूड़ी टीरू ना पढ़ा था ना हम लोगों ने, चारू टीरू ये सब बुकड़े वो निसर गया टपोर वागड़ी जैसा। चलो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीडी। चलो एसी का मिड पॉइंट यानी कि क्या लिखेंगे, 6 9/2, 1 + 4/2 इज इक्वल टू, चलो बी और डी की शादी, 8 + P/2, 2 + 3/2। जरा देखो स्टूडेंट आपको सिर्फ पी फाइंड करना, क्या फाइंड करना है ओनली पी, तो यही कंपेरिजन करेंगे, दूसरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखेंगे, 8 + P/2 = 15/2, दोनों टट्टू कट हो गए आपकी तरह, तो 8 + E = 15, देयरफॉर P = 15 - 8, देयरफॉर P = कितना है भाई 7। बोलो कर सकते हो ऐसे फाइंड, नहीं कर सकते हो तकिए सीधे हुए वो भी। चलो सेम जरा जाते हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, अभी 6 हो जाएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ओनली 10 बाकी है, यानी कि चैप्टर का एंडिंग आ गया। चलो बेटा भाई 6 नंबर के लिए फिगर बनाओ, पैरेललोग्राम वाला है, चलो आप दौड़ोगे फटाफट, पैरेललोग्राम बनाओ एबीसीडी। चलो उसमें लिखो ए क्या है भाई 1 2, बी 4 1, सी एक्स 6 और डी क्या है भाई 3 5 आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द एक्स एंड द वाई। सेम मेथड अभी हमने की, वही मेथड। चलो पहले प्रॉपर्टी लिखो, मुझे नहीं लिखनी,
लिख डालो प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बुद्धियों की तरफ कुछ लोग तो बैठे हैं, देखो ना, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब इसके बाद में क्या लिखोगे आपको पता है, देखो चलो बड़ा बात, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीडी, लिखा। चलो अब शादी कराओ, ए और सी की कराओ, क्या लिखोगे, वन प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा टू प्लस सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू बीडी, ए और डी की शादी कराओ, फोर प्लस थ्री अपॉन टू कॉमा y प्लस फाइव अपॉन टू। चलो इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान करे तो वन प्लस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, सेवन अपॉन टू। दूसरा वाई प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू एट अपॉन टू, दोनों टट्टू उड़ गए, तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवन, एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, y प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, y इज इक्वल टू एट माइनस फाइव, y इज इक्वल टू कितना है भाई थ्री। लास्ट में लिख डालो, कुछ नहीं लिखना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी, लिख डालो बस, बुट्टी तलवार लेके मन पड़े। कुछ भी नहीं लिखना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई। चलो अब जरा उसका 10 नंबर का क्वेश्चन करते हो, मोस्ट टाइम भी लास्ट ईयर प्रीलिम एग्जाम के अंदर आया था। जरा देखो तो कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। लास्ट ईयर आप लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर एरिया वाला चैप्टर था और उसमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला था, एट में भी आया था नाइन में भी आया। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कौन सा था, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्या था आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते थे, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई डी वन मल्टीप्लाई डी टू लिखते थे। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो डायगोनल फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 30। चलो तो पहले क्रोमस बनाते, बनाओ, चलो एक क्रोमस बनाओ, एकदम इजी सा है, और देखो बेचारा कितना अच्छा इंसान है, इसने नीचे फॉर्मूला भी आपको दे दिया दिया है। देखो ए बी सी डी, चलो सबके वर्टाइसिस लिखे, ए क्या है भाई 30, बी क्या है भाई 4 5, सी क्या है भाई माइनस वन फोर, डी क्या है भाई माइनस टू माइनस वन, बराबर है। चलो स्टूडेंट आपको इसका एरिया फाइंड करना है, बेचारे ने नीचे फॉर्मूला भी लिमिट दिया है, फॉर्मूला कौन सा है भाई, वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। जरा नजर करो तो पहली डायगोनल कौन सी आपकी एसी, एडी हो गई आपकी तरफ, दूसरी डायगोनल कौन सी आपकी बीडी, यानी कि चैप्टर की शुरुआत में एसी और बीडी कहां से फाइंड करेंगे। तो मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बोला था, तो भाई जहां पर एडी आए बीसी आए सीडी आए एडी आए एसी आए बीडी आए, आपको पंडित बन के शादी करानी, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। किसका यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो सबसे पहले एसी फाइंड करें, एसी का मतलब क्या भाई, ए और सी की शादी कराएंगे। चलो तो क्या लिखेंगे, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला कौन सा था हमारा फिर से याद कर लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर। चलो यहां से शादी कराए, मैंने क्या बोला था, अगर पीछे वाला नेगेटिव आता हो तो प्लस कर देना, तो क्या बनेगा भाई 3 + 1 ब्रैकेट मार्क्स पे प्लस क्या आएगा भाई 0
माइनस फोर ब्रेकेट बार स्क्वायर, थ्री प्लस वन फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, जीरो माइनस फोर 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 का स्क्वायर सिक्सटीन, इज इक्वल टू कितना है भाई 32, देयरफॉर एसी इज इक्वल, इसका रूट निकालना पड़ेगा। देखो 32 यानी कैसे लिख सकते हो, 16 टू जा 32, 16 का रूट निकल जाएगा, क्या आएगा भाई 4√2। चलो एसी फाइंड के, वैसे अब बीडी फाइंड करेंगे। चलो बीडी फाइंड करो, बीडी स्क्वायर का फॉर्मूला रखो। चलो फटाफट, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा भाई 4+1 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5-4 ब्रैकेट बार स्क्वायर, 4+1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5-4 1, 1 का स्क्वायर क्या है बराबर है क्या दीदी जरा बात करो, बी और डी की शादी बीडी स्क्वायर 4+ क्या घोटाले हो गए भाई, जागते रहो। चलो बी और डी की शादी करानी है, क्या आएगा भाई 4+2 ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 5+1 ब्रैकेट बार स्क्वायर, चलो क्या है भाई 4+2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5+1 6, 36 इज इक्वल टू 72, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू, देखो 72 दो बार 36 का प्लस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 × 2, 36 टू जा कितना होगा 72, ये 36 का रूट निकल जाएगा, क्या निकलेगा 6√2 निकलेगा। चलो अब एरिया का फॉर्मूला लगा है, क्या लिखेंगे एरिया, टेक्स्ट बुक में रेडीमेड है नीचे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। चलो तो 1/2 हमारी दो डायगोनल कौन सी, एक ए सी दूसरी कौन सी भाई बीडी, तो 1/2 मल्टीप्लाई एसी आप कितना लेकर आए 4√2 मल्टीप्लाई बीडी कितना लेकर आए 6√2। अब यहां से कर क्या करोगे समझो स्टूडेंट, देखो ये रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू करोगे तो टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप गलती से 2 × 4 × 2 × 6 ऐसे कट मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई में मुझे पता है आपके मल्टीप्लाई बहुत पक्के है, इसलिए आपको कट नहीं करना है। क्या करेंगे ये दोनों रूट टू और एक टू कट करो, क्लियर। तो बचा क्या भाई 4 × 6 मीन्स कितना आया 24। बोलो कर सकते हो, आज इतना रखते कल हम लोग आगे देखेंगे।